मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 13.1 का लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 13.3 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था, जिसमें हमारे पास था डेटा 15 to 44 ईयर्स की जो फीमेल्स होती है उनका डेटा था कि उनकी इलनेस और डेथ का ज्यादा मतलब क्या कॉजेस हो सकते हैं। तो हमने उसका ये ग्राफ ड्रॉ करा था, ये हमने बार ग्राफ ड्रॉ करा था लास्ट लेक्चर में। हमने देखा कि सबसे ज्यादा जो मेजर कॉज है वुमन्स इल हेल्थ एंड डेथ का वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। फिर हमारा इसका थर्ड पार्ट रह गया था, ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर्स विच प्ले अ मेजर रोल इन द कॉज इन सेकेंड अबाउ बींग द मेजर कॉज। तो मेजर कॉज हमने क्या देखा, मेजर कॉज हमने देखा सबसे ज्यादा इलनेस और डेथ जो हो रही है औरतों की फीमेल्स की वो हो रही है बिकॉज ऑफ पुअर रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। किस वजह से सबसे ज्यादा फीमेल्स की जो डेथ और इलनेस है वो किस वजह से होती है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस की वजह से। तो इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें हमें ये बताना है कि क्यों होती है, हमें दो रीजंस देने हैं कि क्यों होती है उनकी डेथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस की वजह से। आप कह सकते हो इम्प्रॉपर गाइडेंस एक रीजन है, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज दूसरा रीजन हो सकता है, या केयरलेसनेस तीसरा रीजन हो सकता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर टू है वो आपकी होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर टू जो है वो डेटा दिया गया है ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 per 1000 बॉयज इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो। तो आपको रिप्रेजेंट इसको करना है विद द हेल्प ऑफ अ बार ग्राफ। क्वेश्चन नंबर वन मैंने आपको दिखाया जिसमें हमने बार ग्राफ ड्रॉ करा। बार ग्राफ में हम क्या करते हैं, हम बार्स बनाते हैं जो कि हमारे रेक्टेंगल्स होते हैं, उनकी जो विड्थ होती है वो सेम होती है और जो उनके दो बार्स के बीच की स्पेसिंग होती है वो भी सेम होती है। यहाँ पे हमने जो विड्थ ली बार की वो हमने एक यूनिट ली, एक स्क्वायर लिया ग्राफ का, और जो हमने स्पेसिंग ली बिटवीन द बार्स वो भी हमने एक यूनिट की ली। एक यूनिट क्या होता है, एक यूनिट इस ग्राफ पेपर का एक स्क्वायर होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर टू आप लोगों की होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर थ्री आप लोग देख लो, क्वेश्चन नंबर थ्री भी आपकी होमवर्क है, इसमें भी बार ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर फोर मैं आपको दिखाती हूँ जिसमें हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर फोर है, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 millimeter एंड द ऑब्टेन डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। तो हमें क्या करना है, हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। हिस्टोग्राम के लिए हमारे पास जो क्लास इंटरवल होते हैं वो कॉन्टिन्यूस होने चाहिए, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, 118 to 126 फिर 127 है। यहाँ पे जो हमारी अपर लिमिट है वो क्या, यहाँ पे जो हमारी लोअर लिमिट है वो क्या होनी चाहिए, 126। इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ 126 है यहाँ भी 126 होना चाहिए, यहाँ 135 है यहाँ भी 135 होना चाहिए। आपको पता है हिस्टोग्राम में हमारी क्लास इंटरवल्स कॉन्टिन्यूस होती है, तो सबसे पहले इस हिस्टोग्राम को ड्रॉ करने के लिए हमें अपनी इस क्लास इंटरवल को कॉन्टिन्यूस बनाना है। तो कैसे हम इसे कॉन्टिन्यूस बनाएंगे, कोई मुझे कह सकता है हम इस क्लास इंटरवल को कैसे कॉन्टिन्यूस बनाएंगे। हमारे पास क्या डेटा गिवन है, हमारे पास डेटा गिवन है प्लांट, हमारे पास 40 लीव्स गिवन है, एक प्लांट के 40 लीव्स हमारे पास गिवन है। तो
हमारे पास डेटा गिवन है, जैसे कि एक इंटरवल हमारे पास दिया है 118 मिलीमीटर टू 126 मिलीमीटर की जो लेंथ है कितनी प्लांट्स की होगी, 3 प्लांट्स की होगी। फ्रीक्वेंसी क्या है इस इंटरवल की, 3 है। 118 टू 126 मिलीमीटर की जो लेंथ है वो कितने प्लांट्स की है, 3 प्लांट्स की। ऐसे ही 127 टू 135 मिलीमीटर की जो लेंथ है वो कितने प्लांट्स की है, 5 प्लांट्स की है। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इस क्लास इंटरवल को कॉन्टिन्यूस करना है, क्योंकि हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए हमारा क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। मतलब अगर इस पहले क्लास इंटरवल की हमारे पास अपर लिमिट 126 है, तो हमारे सेकेंड क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट है वो 126 होनी चाहिए। ठीक, आप लोग सब क्लास में प्रेजेंट हो? तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें इस क्लास इंटरवल को कॉन्टिन्यूस बनाना है। हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है लेंथ इन मिलीमीटर, जो कि हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन है, हमें उसे कॉन्टिन्यूस बनाना है, और हमारे पास नंबर ऑफ लीव्स गिवन है। मैं पहले इस डेटा को लिख देती हूं। तो ये हमारे पास डेटा है, अब हमें क्या करना है, हमारे पास जो ये क्लास इंटरवल्स है इनको हमें कॉन्टिन्यूस बनाना है। मतलब जो हमारे पास फर्स्ट इंटरवल की अपर क्लास लिमिट होगी, वही हमारे पास सेकेंड इंटरवल की लोअर क्लास लिमिट होनी चाहिए। हिस्टोग्राम हमारा तभी बनेगा जब हमारे पास क्लास इंटरवल्स कॉन्टिन्यूस होगी। तो हम क्या करेंगे, ये जो 126 और 127 है इनके बीच कितना गैप है, 1 का गैप है, 1 mm का गैप है। ऐसे ही 135 और 136 के बीच कितना गैप है, 1 mm का गैप है, 144, 145, 1 का गैप है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये 118, 127, 136 है, 145, 154, 163, 172, ये लेफ्ट साइड वाला जो हमारे पास कॉलम है, इसमें हम माइनस करेंगे 0.5। तो जब आप 118 में से माइनस करोगे 0.5, वो क्या रह जाएगा, 118 माइनस 0.5 कितना होता है, 'आफ्ताब, आमिना, बीनिश, इबादुल हक, नीलोफर, सीरत, जायरा, उज्मा'। अगर आप लोग रेस्पॉन्ड नहीं करोगे तो आप लोगों को मैं एब्सेंट मार्क करूंगी। यस मैम। 118 में से जब आप माइनस करोगे 0.5 को, तो वो कितना रह जाएगा, 'बीनिश, आप मुझे बताओ, जब हम 118 में से माइनस करेंगे 0.5,
118 में से जब आप माइनस करोगे 0.5 तो कितना आ जाएगा? मैम 117.5. 117.5. हमने क्यों इसमें से 0.5 माइनस किया? बीनिश, हमने इसमें से 0.5 माइनस क्यों किया? फैजान, आमिना, आफताब, नीलोफर, कोई तो रेस्पॉन्ड करो, हमने 0.5 क्यों माइनस किया? नीलोफर, आप मुझे बताओ हमने 118 में से 0.5 क्यों माइनस किया? आप लोग रेस्पॉन्ड नहीं करते हो, इसका मतलब आप लोग क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, ना फिजिकली ना मेंटली, तो मैं आप लोगों को एब्सेंट मार्क कर दूंगी। हमने क्यों इस क्लास इंटरवल में से माइंस 0.5 माइंस किया? क्योंकि हमें क्लास इंटरवल को कॉन्टिन्यूस बनाना है। इन ऑर्डर टू ड्रॉ हिस्टोग्राम, हमारा क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। यहाँ हमारा क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूस नहीं है, यहाँ पे हमारी फर्स्ट इंटरवल की जो अपर क्लास लिमिट है वो 126 है, और जो हमारे पास सेकेंड इंटरवल का लोअर क्लास लिमिट है वो 127 है, जबकि ये सेम होने चाहिए। अगर यहाँ 126 है, यहाँ भी 126 होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्लास इंटरवल को कॉन्टिन्यूस बना रहे हैं। 127 में से हम माइनस करेंगे 0.5, कितना आ जाएगा? 126.5, 135.5, 145.5, 154.5, 162.5, 153.5, 144.5, मतलब सब सोए है। अगर मैंने गलत लिखा तो किसी ने कुछ नहीं कहा। और ये आ जाएगा 171.5। अब मैं जिससे पूछूंगी, अगर उसने रेस्पॉन्ड नहीं किया तो उसका एब्सेंट मार्क लग जाएगा। अब जो हमारी ये अपर क्लास लिमिट है, हम इसमें क्या माइनस करें, हम इसमें क्या अप करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे 0.5, ठीक। हम इसमें 0.5 अपर क्लास लिमिट में ऐड करेंगे, तो 126 पे मैं जब आप ऐड करोगे 0.5 तो वो कितना आ जाएगा? इबादुल हक, आप मुझे बताओ 126 प्लस 0.5 कितना होता है? इबादुल हक, 126 प्लस 0.5 कितना होता है? चलो ठीक है, इबादुल हक आप एब्सेंट हो क्लास में, आपको रेस्पॉन्ड नहीं करना है, नहीं करो, आप एब्सेंट हो। 126.5, 135.5, 144.5, 153.5, 162.5, 171.5, 180.5। इबादुल हक, आप मुझे बताओ हमने क्यों इसमें से लेफ्ट कॉलम में से हमने क्यों 0.5 माइनस करा, और राइट कॉलम में हमने 0.5 क्यों ऐड करा, इसका रीजन क्या है? ज़ायरा, रोल नंबर 16, आप मुझे रीजन बताओ। मैम क्या बोलना है? हमने लेफ्ट साइड में
0.5 माइनस करा, राइट साइड में हमने 0.5 प्लस करा, तो इसका रीजन क्या है, हमने क्यों ऐसा किया? हमने 118 में 0.5 माइनस करा, 126 में 0.5 प्लस करा, इसी तरह से हमने यहाँ के वैल्यूज में 0.5 माइनस करा, यहाँ की वैल्यूज में 0.5 प्लस करा, क्यों करा? क्यों करा हमने ऐसा? एक साइड से हमने 0.5 माइनस करा, दूसरी साइड से 0.5 प्लस करा, क्यों करा? हाँ, आप लोग क्लास में सोए होते हो, आप लोग बस अटेंडेंस के लिए मीटिंग ज्वाइन करते हो, उसके बाद आप सो जाते हो क्लास में। हमने 0.5 कैसे लिया? हमने देखा जो 126 है और 127 है, हमें इन वैल्यूज को सेम करना है, ऐसे 135 और 136 को हमें सेम करना है, इनका डिफरेंस क्या है? इनका डिफरेंस 1 है, तो हम डिफरेंस को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, वो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2, वो आ जाएगा 0.5। यही 0.5 हमने लेफ्ट साइड से माइनस करा और राइट साइड से हमने प्लस करा, क्यों करा? क्योंकि हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, और हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए हमारा क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। अब हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे, इसमें y एक्सिस पे मैंने ये वैल्यूज ली, जो हमारी क्या होगी, जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी, जो हमारे नंबर ऑफ लीव्स है, वो मैंने y एक्सिस पे लिए, और x एक्सिस पे मैं क्या लूंगी, x एक्सिस पे मैं क्लास इंटरवल लूंगी, जो कि हमारी लेंथ है। y एक्सिस पे मैंने क्या लिया, एक यूनिट मैंने दो लीव्स के बराबर लिया। ये जो हमारा ग्राफ है, इसका जो एक स्क्वायर होता है, ग्राफ का जो एक स्क्वायर है, उसे हम एक यूनिट कहते हैं। तो ये एक यूनिट मैंने दो लीव्स के बराबर लिया, ऐसे ये दूसरा यूनिट 4 माइनस 2 होता है 2, तो 2 लीव्स के बराबर लिया। तीसरा यूनिट 6 माइनस 4 होता है 2, मतलब 2 लीव्स के बराबर लिया। और जो एक्स एक्सिस है, उस पर हम अपनी क्लास इंटरवल्स को प्लॉट करेंगे। हमारी क्लास इंटरवल्स क्या हमारे पास आई, जब हमने उनको कॉन्टिन्यूस किया, 117.5 यहाँ पे लो आप, 117.5, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 126.5, फिर आ जाएगा 135.5, फिर आ जाएगा 144.5, फिर है 153.5, फिर आ जाएगा 162.5, फिर आ जाएगा 171.5, और फिर आ जाएगा हमारा 180.5। तो अब हम कैसे इसे प्लॉट करेंगे? पहली वैल्यू हमारी है 117.5 टू 126.5, जो हमारा पहला इंटरवल है। इसमें नंबर ऑफ लीव्स कितने आते हैं? 3 आते हैं, तो 3 यहाँ पे होगा, ये ऐसे बन जाएगा,
उसके बाद 126.5 to 135.5 इंटरवल में पांच लीव्स आते हैं. अगर ये फोर है ये सिक्स है तो फाइव इनके इन बिटवीन होगा, तो मतलब ये ऐसे आ जाएगा. ऐसे ही आपका तीसरा इंटरवल है 135.5 to 144.5, उसमें कितने लीव्स है, नाइन लीव्स है, नाइन एट और नाइन के बीच आ जाएगा, मतलब ऐसे आ जाएगा. उसके बाद है आपका नेक्स्ट इंटरवल जो है 144.5 to 153.5, उसमें कितने लीव्स आते हैं, उसमें 12 लीव्स आते हैं, मतलब इस इंटरवल में आपके 12 लीव्स आते हैं. 12 कहाँ पे है, हमारा यहाँ पर है, तो हम इसे ऐसे प्लॉट करेंगे. ये 144 है, ये ऐसे आ जाएगा. ठीक, उसके बाद हमारा कौन सा इंटरवल है, उसके बाद हमारा 153.5 to 162.5 इंटरवल है. इसमें पांच लीव्स आते हैं, फाइव आपका यहाँ पर आता है. उसके बाद कौन सा इंटरवल है 162.5 to 171.5, इसमें फोर लीव्स आते हैं, फोर आपका यहाँ पे आता है. उसके बाद कौन सा इंटरवल है 171.5 to 180.5, इसमें कितने लीव्स आते हैं, टू आते हैं, तो वो ऐसे ड्रॉ हो जाएगा. हमने क्या किया, हमने सबसे पहले अपनी क्लास इंटरवल को कॉन्टिन्यूस बनाया, बिकॉज इन ऑर्डर टू ड्रॉ हिस्टोग्राम वी हैव टू मेक आवर क्लास इंटरवल्स कॉन्टिन्यूस. ठीक, अगर वो कॉन्टिन्यूस नहीं है तो हमें उन्हें कॉन्टिन्यूस बनाना पड़ता है. हमने x एक्सिस पे क्लास इंटरवल्स लिए, y एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ लीव्स लिए और हमने हिस्टोग्राम को ड्रॉ करा. ये हमारा पहला पार्ट था. सेकेंड पार्ट है, इज देयर एनी अदर सूटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डेटा. यस, वी कैन ड्रॉ इट बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपको पता है, हिस्टोग्राम पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विद हिस्टोग्राम या विदाउट हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो अगर हमें कोई और ग्राफ इसके लिए बनाना होगा वो होगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm लॉन्ग. क्या हम कह सकते हैं कि सबसे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव जो है वो 153 mm लॉन्ग है? नहीं, हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास इंटरवल दिया है. हमारे पास कोई एक वैल्यू नहीं दी है, हमारे पास इंटरवल दिया है, तो हम नहीं कह सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव जो है वो 153 mm लॉन्ग है, क्योंकि हमारे पास एक इंटरवल है, एक पर्टिकुलर वैल्यू हमारे पास नहीं है. क्वेश्चन नंबर फाइव आपकी होमवर्क है. क्लास, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन? मैं शायद आप लोगों से कुछ पूछ रही हूँ, आप लोगों को मेरी बात नहीं समझ में आती है. किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम. नो मैम. आप लोग रेस्पॉन्ड ही नहीं करते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द फॉलोइंग डेटा, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ टू सेक्शंस. सेक्शन ए दिया हुआ है, सेक्शन बी दिया हुआ है, और हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास मार्क्स दिए हैं. 0 to 10 मार्क्स कितने बच्चों की है, 3 बच्चों की है. 10 to 20 मार्क्स कितने बच्चों की है, 9 बच्चों की है. हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, हम इस डेटा को रिप्रेजेंट करना है By frequency polygon. हमें इस डेटा का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है. फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए आपके पास कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, क्या होना जरूरी है आपके पास, तब जाकर आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हो. मैंने आपसे ये कल कहा है, मैंने आपको कल फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एक्सप्लेन किया है. फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए कौन सी चीज जरूरी होनी चाहिए जिससे आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को ड्रॉ कर सकते हो. सीरत आप मुझे बताओ,
आप कल के लेक्चर में प्रेजेंट थे ना, आप मुझे बताओ। अगर आपने रेस्पॉन्ड नहीं किया मैं आपको एब्सेंट मार्क कर दूंगी। आप मुझे सीरत बताओ कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए क्या जरूरी है कि हम एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को ड्रॉ करें। जैसे कि हिस्टोग्राम के लिए हमारे पास नेसेसरी क्लास इंटरवल होना चाहिए, एक कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल होना चाहिए, तभी हम हिस्टोग्राम को ड्रॉ करते हैं। वैसे ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए क्या जरूरी होना चाहिए कि हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को ड्रॉ करें। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए हमारे पास क्लास मार्क होना जरूरी होता है। क्लास मार्क क्या होता है? जो हमने रेक्टेंगल के बीच का मिड पॉइंट देखा कल, वो हमारा क्लास मार्क होता है। ये रेक्टेंगल्स हैं, ये हमने इसके मिड पॉइंट्स लिए थे। हिस्टोग्राम में हमने रेक्टेंगल्स के मिड पॉइंट्स लिए थे, इन्हें हम बोलते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क किसके बराबर होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई टू। जब हमारे पास क्लास मार्क होगा तभी हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहां पर हम क्या निकालेंगे? यहां पर हम क्लास मार्क निकालेंगे। हमारे पास क्या गिवन है? सेक्शन ए और सेक्शन बी हमारे पास गिवन है। सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में हमारे पास क्या गिवन है? मार्क्स गिवन है। मार्क्स के बाद क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी गिवन है। हमें क्या निकालना है? हमें क्लास मार्क निकालना है। फ्रीक्वेंसी गिवन है, फिर क्लास मार्क हमें निकालना है इसमें। तो हम पहले सेक्शन ए का देखते हैं। सेक्शन ए का हम सबसे पहले देखते हैं मार्क्स क्या है इसमें। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50 का इंटरवल है। फ्रीक्वेंसी क्या है? 5, 15, 25, 35, 45। हमें क्या निकालना है? हमें क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क कैसे निकलेगा? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अपर लिमिट 10 है, लोअर लिमिट 0 है, मतलब 10 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 होता है 5। क्लास मार्क की फॉर्मूला क्या है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। जब आप अपर लिमिट को प्लस करोगे लोअर लिमिट और उनको डिवाइड करोगे 2 से, तो आपके पास क्लास मार्क आ जाएगा। अपर लिमिट 10 है, 10 प्लस 0 करो कितना होता है? 10 होता है, फिर डिवाइड करो 2 से 5 होता है। 20 प्लस 10 30 होता है, 30 को डिवाइड करो 2 से 15 होता है। इसी तरह से आपको आपकी क्लास मार्क मिल जाएगा। एक तो सेक्शन ए का, फिर सेक्शन बी का भी आपको सेम ड्रॉ करना है। सेक्शन बी में भी आपको मार्क्स और फ्रीक्वेंसी दी है। आप क्लास मार्क कैसे ड्रॉ करोगे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, और उसका भी क्लास मार्क सेम आ जाएगा। क्यों सेम आ जाएगा? क्योंकि दोनों के मार्क्स जो है, दोनों के इंटरवल जो है वो सेम है। ठीक, सेक्शन बी का भी सेम आ जाएगा, बस खाली इनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। सेक्शन बी में हमारा मार्क्स है, मार्क्स हमारे क्लास इंटरवल है, क्लास मार्क फिर हमारा मिड पॉइंट है और फ्रीक्वेंसी है। तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50 है। तो क्लास मार्क सेम आ जाएगा क्योंकि इंटरवल सेम है, 5, 15, 25, 35, 45। बस फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, 5, 19, 15, 10 और 1। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए क्लास इंटरवल की जरूरत नहीं है। हमें ग्राफ जो बनाना है वो हमें किन दो चीजों से बनाना है? एक तो क्लास मार्क से, जो कि मिड पॉइंट है, जो कि निकला हमारे पास अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करके, और फ्रीक्वेंसी। हमें क्या इसमें कंसिडर करना है? एक तो क्लास मार्क, एक फ्रीक्वेंसी। सेक्शन बी में भी क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी, हमें इंटरवल नहीं लेना है। तो ग्राफ पे जब आप इसे ड्रॉ करोगे,
ग्राफ पे जब आप इसे ड्रॉ करोगे, एक सेकेंड ग्राफ पर ही दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ग्राफ पर जब इसे ड्रॉ करोगे सेक्शन ए और सेक्शन बी का, आप क्या लोगे? आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लोगे क्लास मार्क। ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इस पे आप लोगे क्लास मार्क। क्लास मार्क हमारे यही मिड पॉइंट है। क्या है वो? 5 है, 15 है, 25 है, 35 है और 45 है। और हमारे पास यहां पर जो वाई एक्सिस आएगा उस पे फ्रीक्वेंसी आएगी। फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी? हमने फ्रीक्वेंसी का जो हमने एक यूनिट लिया, एक स्केल लिया, वो हमने 2 के बराबर लिया। ठीक, तो ये हम करेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। ये हमारा वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे हमने फ्रीक्वेंसी लिया और क्लास मार्क हमने किस पे लिया? क्लास मार्क हमने लिया एक्स एक्सिस पे। जब आप ड्रॉ करोगे कैसे ड्रॉ करोगे? सेक्शन ए का हमारे पास क्लास मार्क 5 है, फ्रीक्वेंसी 5 है ना? तो कैसे आ जाएगा? क्लास मार्क 5, फ्रीक्वेंसी 5, मतलब यहाँ पे ऐसे ही क्लास मार्क 15 है, फ्रीक्वेंसी 15 है। क्लास मार्क 15 है, फ्रीक्वेंसी 15 है, तो यहाँ पे आ जाएगा दूसरा पॉइंट, है ना? क्लास मार्क 15 है, फ्रीक्वेंसी 15 है। उसके बाद आ जाएगा क्लास मार्क 25, फ्रीक्वेंसी नहीं सॉरी 5, 3, 9। हमारे पास जो क्लास मार्क है 5, वहां पर हमारी फ्रीक्वेंसी है 3। यह आ जाएगा यहाँ पे। जब हमारे पास क्लास मार्क 15 है तो हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 9। आप लोग टेबल देखो जो आपके पास गिवन है। जब क्लास मार्क, यहाँ पर क्लास मार्क हमारे पास 15 है तो फ्रीक्वेंसी 9 है। हमने क्लास मार्क निकाला है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करके। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है, क्लास मार्क हमारे पास 25 है, फ्रीक्वेंसी 17 है। क्लास मार्क 25 है, फ्रीक्वेंसी 17 है। ठीक, क्लास मार्क 25, फ्रीक्वेंसी 17। क्लास मार्क 35, फ्रीक्वेंसी 12। क्लास मार्क 35, फ्रीक्वेंसी 12। ऐसे ही क्लास मार्क 45, फ्रीक्वेंसी 9। तो जब आप इसे ज्वाइन करोगे ये कैसे आ जाएगा? ऐसे ज्वाइन होगा, फिर ऐसे ज्वाइन होगा, फिर ऐसे ज्वाइन होगा, फिर ऐसे ज्वाइन होगा, फिर ऐसे ज्वाइन होगा। ऐसे ही आप सेक्शन बी का भी बनाओगे। ये हुआ हमारे सेक्शन ए का। सेक्शन बी का भी आप ऐसे ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाओगे। क्या क्या वैल्यूज लेकर? क्लास मार्क लेकर। क्लास मार्क हमने कैसे निकाला? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 और फ्रीक्वेंसी लेकर। ठीक, या आप सेक्शन बी का बनाओगे, ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 7 आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, वो भी आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 8 हिस्टोग्राम है, वो भी आपकी होमवर्क है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 वो भी हिस्टोग्राम है, वो भी आपकी होमवर्क है। मैंने आपको दिखाया बार ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं, हिस्टोग्राम हम कैसे ड्रॉ करते हैं, पॉलीगन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हम कैसे ड्रॉ करते हैं। बाकी जो इसमें क्वेश्चंस है वो सेम है, जैसे मैंने आपको दिखाया वैसे आपको लेना है। हिस्टोग्राम में अगर आपके पास क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, मेक इट कॉन्टिन्यूस, उसके बाद आपका हिस्टोग्राम बन जाएगा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में अगर आपके पास क्लास मार्क नहीं दिया हुआ है, आपको क्लास मार्क निकालना है। कैसे निकालना है? अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करके। और फिर आप जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाओगे वो क्लास मार्क को लेकर बनाओगे, क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी को लेकर बनाओगे। ठीक, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन?
क्लास, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? बाकी स्टूडेंट्स भी रेस्पॉन्ड करो।